रोशनी यादव, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो साल 2023 में हुए उस वक्त राजनीतिक गलियारों में ये नाम काफी गूंजा। पहले वजह थी बीजेपी से बगावत, फिर कांग्रेस में शामिल होना और उसके बाद कांग्रेस से टिकट नहीं मिलना विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब रोशनी यादव आखिर कहाँ है, क्या है रोशनी यादव का प्लान, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 की शुरुआत से ही बीजेपी नेताओं का कांग्रेस में आने का सिलसिला जारी था, जिसमें एक और नाम था, वो था रोशनी यादव का। निवाड़ी विधानसभा सीट से दावेदारी कर रही थी रोशनी यादव चुनाव लड़ने की। पहले बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी बात सामने रखी, लेकिन जब उनको ये साफ हो गया कि बीजेपी उनको टिकट नहीं देगी, तब अपने बगावती सुर अख्तियार करने के बाद उन्होंने कांग्रेस में आने का फैसला किया। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लिस्ट पर लिस्ट निकाल रही थी, लेकिन रोशनी यादव का नाम किसी भी लिस्ट में शामिल नहीं था। अंततः उनको निवाड़ी से टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उनकी रुआंसी तस्वीर भी सामने आई। लेकिन अब सवाल यह है कि अब रोशनी यादव क्या कर रही हैं? आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी रोशनी यादव कांग्रेस में एक्टिव नजर आई। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से निकाली, तब उज्जैन में उन्होंने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मौजूदगी भी दर्ज कराई। लेकिन उसके बाद से रोशनी यादव लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों से नदारद दिखाई दे रही है, गायब दिखाई दे रही है। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या रोशनी यादव अब कांग्रेस से दूरी बनाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन किया, उन प्रदर्शनों की तस्वीरें तो रोशनी यादव ने साझा की, लेकिन प्रदर्शनों में रोशनी यादव पहुंची हुई दिखाई नहीं दी, जिसके चलते अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है। फिलहाल आपको बता दें, जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक रोशनी यादव अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए गई हुई है। माना यह जा रहा है कि जब वो वापस आएंगी उसके बाद एक बार फिर वो कांग्रेस में एक्टिव होंगी। ये भी आपको बता दें कि रोशनी यादव को भले ही कांग्रेस ने टिकट ना दिया हो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस जब भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी, तब कांग्रेस का प्रचार करने के लिए बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर रोशनी यादव अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि रोशनी यादव की कांग्रेस के कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों से दूरी सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट पर क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।